हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, दे आर नाउ फॉलोइंग, ये जो बीजेपी ने ऑर्डर तैयार किया हुआ है इस ऑर्डर को वो फॉलो कर रहा शुरू कर रही है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि परिवारवाद का अर्थ क्या है। किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आए ऐसा इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन के बेटे बेटियां नाते पोते आए लेकिन अपने बलबूते पर आए, उसको हक समझ कर ना आए, और चाहे कोई भी डिजर्विंग हो, डिजर्विंग लोगों को दूर रख के जिस समय केवल अपने परिवार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो उसको परिवारवादी राजनीति कहा जाता है, जो कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस की पतन का कारण क्या था? तो कांग्रेस में यह मान्यता थी कि नेहरू जी के घराने का व्यक्ति ही कांग्रेस को लीड कर सकता है, और आज भी वही स्थिति है। आज देखिए, खड़गे जी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, खड़गे जी कोई निर्णय कर सकते हैं? कोई मानता है कि खड़गे जी निर्णय ले सकते हैं? नहीं मानता है। अल्टीमेटली निर्णय तो या तो राहुल जी को लेना है, या सोनिया जी को लेना है, या प्रियंका जी को लेना है। तो ये जो एक राजनीति की स्टाइल है, जिसका कल हमारे गृहमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि एनसीपी क्यों टूटी, टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल हेयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया, और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा। आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए, इसके आधार पर हमने करनी चाहिए। तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, और सुडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाला साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें केवल हम लोग परिवारवादी पार्टियों को दोषी नहीं पकड़ सकते। इसमें उनके साथ जो लोग जाते हैं, कई बार उनको चुनकर देते हैं, ऐसे लोगों का भी कुछ ना कुछ दोष तो इसमें है ही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस पूरी ऑर्डर को डिसमेंटल करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मेरा ये विश्वास है कि राजनेताओं के बेटे बेटियां आगे पॉलिटिक्स में दिखेंगे तो अपने दम पर दिखेंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखेंगे, केवल किसी के पुत्र या पुत्री है इसलिए वो पॉलिटिक्स में नहीं दिखेंगे। इस ऑर्डर की ओर हम जा रहे हैं। थैंक यू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लाइंस महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मी पुनः येईन एंड अकेला देवेंद्र क्या करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर सर भी कल ही वो बोले कि मैं फिर से आऊंगा यहां, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो सब जानते हैं, जैसे कि आई शो एन एग्जाम्पल, अब की बार। तो ये जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आपका है, आपका था, जिस विच मेड यू से मी पुनः ये सेम कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर सर का है, बट धोखा करके जब ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई, आप आ भी गए, आप पुनः आ गए, लेकिन उन्होंने धोखा करके गवर्नमेंट बनाई। उस वक्त सर आपके क्रिटिक्स, उनकी इकोसिस्टम, उन्होंने बहुत मॉक किया। मेरा सवाल ये है, आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट एंड वुड यू से मी पुनः ये इन अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मी पुनः ये इन ये केवल सिंगल लाइन नहीं थी। मैं पुनः येईन के साथ मैं किस लिए वापिस आना चाहता हूं ये था, किसकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूं ये था, महाराष्ट्र को कैसे बदलूंगा ये था, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसमें से मैं पुनः येईन ये लाइन लोगों ने ज्यादा कैच की, और वो इतनी कैच हो गई कि वो जो कविता मैंने पढ़ी थी उसको किसी ने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और एक प्रकार से वो एक बहुत ही बज लाइन की तरह वो लोगों के बीच चली गई, और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया। और ये बात भी सही है कि
केवल सत्ता के लिए कुर्सी के लिए जब उद्धव जी ने हमारे पीठ में खंजर घोपा तो उसके बाद एक समय ऐसा भी रहा, क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो हम जब चुनकर आए तो लोगों ने कहा देखो मैं पुनाइन कहा था ये आ गए, सरकार नहीं बनी तो लोगों ने कहा ये देखो ये बहुत अहंकारी थे, इन्होंने कहा था मैं वापिस आऊंगा, ये अहंकार था इनका और इसलिए ये नहीं आए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन मैंने कहा था मैं पुनाइन तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आए और दो साथी लेकर आए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब ये कहते कि 400 पार करके मैं वापस आऊंगा तो उसके आगे प्रधानमंत्री जी का जो भाव है उस भाव को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अपने भाषण में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वो भाव बहुत स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद एक दिन भी उस गद्दी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया, एक दिन भी उन्होंने वहां बैठकर राजकाज करूंगा अब आराम से जीऊंगा इस प्रकार का विचार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आप को छत्रपति इसलिए घोषित किया कि दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई है, हम गुलामी से बाहर आए हैं और हमारा अपना वजूद है, और तुरंत वो निकल पड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए, और आम आदमी को जिसको रैत कहते थे उसका भला करने के लिए वो बाहर निकले। तो मोदी जी ने कहा हमारी भी प्रेरणा हुई है, हम तीसरे बार चुनकर आएंगे हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हम तीसरी बार चुनकर आना इसलिए नहीं चाहते कि हमको राज चलाना है, हमको समाज बदलना है, हमको देश बदलना है, हमको 2047 का विकसित भारत तैयार करना है, इसलिए हम तीसरी बार आना चाहते। तो ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जनता के नब्ज को जानते हैं। मोदी जी को यह ध्यान में आ रहा है कि पब्लिक अपना मन बना चुकी है, लोग उनको तीसरा मौका देने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड मेजोरिटी के साथ देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सर जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर सर और आप बढ़ रहे हैं, आप तो कहेंगे नहीं मैं ही कह देती हूं, ये बात से चिंता होती है कि अब अकेली ताई क्या करेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन, ये थोड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बिग ब्रदर रहा है और पार्टनर्स रहे हैं उनके, उनके कार्यकाल में हमने बहुत टेररिज्म देखा है, बी एट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट, बी एट द ताज होटल बॉम्बिंग, हमने ये भी देखा है कि इतने गंभीर एपिसोड्स के बाद ना तो उनके लीडर कोई ग्रीफ, कोई चिंता, कोई मुरोज कुछ व्यक्त नहीं करते। इनफैक्ट 93 के ब्लास्ट के वक्त चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने एक एडिशनल ब्लास्ट इन्वेंट किया था ताकि समाज मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाए, और ताज के बॉम्बिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अपने बेटे जिनको वो एज एन एक्टर लॉन्च करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर ये टेरर टूरिज्म के लिए होटल पर दौरा करने गए, तो नाउ वी सी दैट टेररिज्म हैज बीन वाइप्ड आउट, बट व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज टेररिज्म बिकम सो वाइड स्प्रेड, हैड बिकम सो वाइड स्प्रेड इन कांग्रेस रूल, एंड हाउ आर यू एबल टू कीप द कंट्री सेफ
अंडर प्राइम मिनिस्टर सर? देखिए, एक बात तो दुनिया का सत्य है, भय भी न होए न प्रीत, ये रामायण में भी कहा है। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश मजबूत होता है वही शांति प्रस्थापित कर सकता है, कमजोर कभी शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते। और भारत ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब हमारा पड़ोसी देश हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, आतंकियों को भेजता था, हमारे देश में अलग अलग प्रकार से बम विस्फोट करवाता था, लोगों को मारता था, और हमारी सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार कहती थी कि हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कंडेम करते हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये कंडेम करते रहते थे, वो बम विस्फोट करते जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत में ये ताकत नहीं है कि भारत हमारे ऊपर रिटेलिएट कर पाए। लेकिन जिस समय मोदी जी ने पहला स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस समय उनके ध्यान में आया कि भारत रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जब दूसरा अटेम्प्ट किया और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उनके ध्यान में ये कैपेबिलिटी भारत की आई कि ये पुराना भारत नहीं है जो अमेरिका के पास जाकर रोएगा, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर रोएगा कि भाई हमको बचा लो, इनको समझाओ। ये सीधे अटैक करने वाला भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये जैसे उनके ध्यान में आया तो परिणाम ये हुआ कि आज उनकी हिम्मत भारत पर अटैक करने की नहीं है। आप विचार कीजिए, मुंबई पर जो हमला हुआ था 26/11 को, इट वॉज नॉट एन अटैक ऑन मुंबई, इट वॉज अटैक ऑन इंडिया सॉवरेंटी। देखिए, टारगेट जो चुने गए थे, ताज होटल, ट्राइडेंट, ये क्यों चुने गए थे? ट्राइडेंट इसलिए चुना गया था कि दुनिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ट्राइडेंट में रहती है। ताज इसलिए चुना गया था कि भारत के जो आर्थिक एक आर्थिक केंद्र है, उस आर्थिक केंद्र का सिंबल ये ताज होटल है। तो उन्होंने हर चीज इस प्रकार से चुनी थी कि एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे सामने भारत कुछ नहीं है, 10 लोग मिलकर भी हम भारत को हिला सकते हैं। और वो संदेश उन्होंने बहुत, मैं ऐसा कह सकता हूं दुर्दैव से, कि उन्होंने सफलतापूर्वक दिया। लेकिन उस समय की हमारी रिएक्शन क्या थी? हम लोग अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने ये सारी चीजें पता होते हुए भी डेविड हेडली, तऊर राणा, ये सारे जो आतंकी थे जो उसके पास थे, उनका एक्सेस भी हमको नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग वो एक्सेस ले पाए। जो लोग इस षड्यंत्र में थे उनको दंडित करने का काम हमने किया। तो कांग्रेस की सरकार में एक बहुत वीक इस प्रकार की गवर्नमेंट को हमने देखा, जो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकती थी, जो अपने आप को एसेट नहीं कर सकती थी, जो दूसरी शक्तियों पर डिपेंडेंट थी। और फिर वही चीजें नीचे तक आती है। देखिए, जैसी सरकार देश में चलती है वैसी सरकार फिर प्रदेशों में चलना शुरू हो जाती है। तो ये परिस्थितियां उस समय हमने देखी। आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब चीन की भी ये हिम्मत नहीं है कि चीन सीधा आंख उठाकर हमारे सामने देख सके। जी, थैंक यू सर। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अब हम इससे पहले पॉलिटिकल नहीं थे। ये थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। इंडिया अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट। सर, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो। यहां पर भी, महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर, बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे
कनेक्ट करते हैं कि बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी. अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड सेकंड, इज इट ट्रू इफ यू किल ऑपोजिशन इज देयर नो ऑपोजिशन? वन एंड सेकंड, इज दिस अ ब्लॉट ऑन आर डेमोक्रेसी? पहली बात तो जो इंडिया अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी. तो भाऊ तोरसेकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहां सारे इंजिन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहां. और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है. तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है. सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है. और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है. और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं. लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं. हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं. हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं, ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की. आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है, उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है. ये ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सारी ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं. आप देखिए, ये कैसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साइड से निर्णय दे तो अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्यायपूर्ण उनके खिलाफ निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, इलेक्शन कमीशन को गाली देते, इलेक्शन प्रोसेस को गाली देते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाली देते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को गाली देते. तो ये तो हमारे लिए एक चिंता की, मैं ऐसा कहता हूं, की जगह है कि जहां पर अपोजिशन के वीक होने से जो स्पेस निर्माण हुई है, उस स्पेस में इस प्रकार के लोग आए हैं. और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जब ये लगता है कि मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये जो ताकतें हैं, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी, इन ताकतों की मदद कांग्रेस जैसी पार्टी ले रही है. और फिर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में. मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई संविधान हमारे कारण खतरे में नहीं है, आप खतरे में डाल रहे हो देश का संविधान इस प्रकार की ताकतों को दम देते हुए, बल देते हुए, उनको एक प्रकार से सेंटर स्टेज पर लाते हुए. और मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि अपोजिशन कभी समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त करने का कोई विचार भी नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए. हम अपनी लाइन को बड़ी करते जाते हैं, धीरे धीरे अपोजिशन की लाइन छोटी होती है, हम उनकी लाइन काटते कभी नहीं है और काटना भी नहीं चाहते. जी सर, बिफोर आई लेट यू गो, ये फाइनल क्वेश्चन है और ये नॉन पॉलिटिकल इश क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है. सर, आप इंटरव्यूज देते हैं इतने मीडिया में, सर आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, वो आइडियोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल है. आप ये मीडिया इंटरव्यूज एक घंटे का भी दे दे, आप एक घंटे तक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने शुरू किए हैं और
मॉनिटर कर रहे हैं, आप एक घंटे तक बात कर सकते हैं, आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स मेरे बेबीज है, फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स हैं जो चीजें बोलते हैं, अलग अलग रूमर्स फैलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल्ड नहीं रहा है, या आपके कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हैं, या फिर और कोई रूमर फैला देते हैं कि आप लोकसभा जाएंगे, समथिंग समथिंग, कोई भी कुछ भी, एवरीडे न्यू रूमर. लेकिन फिर भी डिस्पाइट द कंटिन्यूअस रूमर्स, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं उनसे आप मीलो आगे है. तो हाउ डू यू, तो आप इतना ठहराव कैसे रखते हैं और हाउ डू यू इग्नोर दीज वॉइसेस? देखिए, पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कोरी राजनीति आती नहीं है. मैंने कभी जिंदगी में कोरी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे लिए तो राजनीति ये हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है. हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को माना है कि हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज ए एपरेटस यूज करके ला सकते हैं. इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं भाषण भी जब करता हूं तो 80% मेरा भाषण ये डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया इसके ऊपर होता है. 20% मैं राजनीति की बात करता हूं. और मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमको हमारे देश को, हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस ये डेवलपमेंट पे रखना पड़ेगा. राजनीति तो होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक पार्ट है. लेकिन अगर हम गवर्नेंस को छोड़कर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में लग जाए, मतलब मैं कई बार सवाल पूछता हूं, अपने आप से भी पूछता हूं कि 25 सालों तक उद्धव जी ने, शिवसेना ने मुंबई पर राज किया, और उसमें से मेजर कालखंड ऐसा है कि जिसमें मुंबई महानगर पालिका स्वयं उद्धव जी देखते थे. तो मैं अपने आप को और उनको भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई एक प्रोजेक्ट वो दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने मुंबई को ट्रांसफॉर्म किया है? ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, एक भी नहीं बता सकेंगे. वो जो बातें कहते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बातों में तो इसके लिए कोई नो ब्रेनर बातें हैं. जो बातें आज मुंबई में उनके कार्यकाल में हुई है, मतलब हमारे प्रमोद जी हमेशा ये कहते थे कि जब लड़का बड़ा होता है, 17 साल का होता है, तो उसको मूछें आती है, उसके लिए माँ बाप ने का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो तो नेचुरली आती है. ऐसा एक नेचुरल डेवलपमेंट को अगर हम छोड़ दें तो मुंबई में उद्धव जी ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसी एक चीज भी वो नहीं बता सकेंगे. जबकि केवल 5 साल मैं मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैं ऐसी कई चीजें आपको दिखा सकता हूं. आप देख रहे हैं, ट्रांस हार्बर लिंक आपने देखी है, अभी कोस्टल रोड आपने देखा है, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो रहा है, मुंबई में जो एसटीपीज है वो आप देख रहे हैं, धारावी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो होने, ऐसे मैं सैकड़ों चीजें गिना सकता हूं. तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस यही है. और जिस समय मैं राजनीति में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला और वो मंत्र है पेशेंस इज अ वर्च्यू. राजनीति में पेशेंस होना, इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता. और मैंने प्रधानमंत्री जी से यह सीखा. प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गाली प्रूफ हूं. देखिए, 2002 से 2013 तक, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे वो अपोजिशन रहे, सुबह से लेकर शाम तक उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे. और ऐसी ऐसी गालियां दी है, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुए कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते. लेकिन उनका पेशेंस देखिए कि ये 11 साल पलटकर एक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, एक जवाब भी. और ये सारी चर्चा को उन्होंने अपने डेवलपमेंट के एटीट्यूड से समाप्त कर दिया. उन्होंने मेनस्ट्रीम मीडिया का उपयोग किए बिना पूरे देश में ये इमेज तैयार करके दिखाई कि भारत को जिस नेतृत्व की आवश्यकता है वो नेतृत्व गुजरात के मुख्यमंत्री में दिखता है और उसको भारत में लाना चाहिए. ये उन्होंने करके दिखाया.
तो मुझे लगता है कि ये जो पेशेंस उनमें है शायद उतना मुझ में नहीं होगा, लेकिन मैंने भी जीवन में यही सीखा है। और इसलिए हमले होते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालियां देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो मैं रखता हूं। हालांकि अल्टीमेटली कोई हम लोग ऋषि मुनियों की श्रेणी में तो नहीं है, कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है, कभी कभी यू हैव टू गिव बैक, मतलब हम लोग कभी कभी वापस देना पड़ता है, तो दे भी देते हैं, पर ओवरऑल मेरा जो स्वभाव है ये बहुत पेशेंट स्वभाव है। और देखिए एक और मंत्र राजनीति का है, कभी कभी राजनीति में आपको जवाब देना भी पड़ता है, लेकिन जवाब देने का मौका कौन सा है आपको समझना चाहिए। टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत मौके पर जवाब देंगे तो आपका जवाब सुना नहीं जाएगा, जब अपना मौका हो तो जवाब दे दो, दुनिया सुनेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू सर, आपने इतना समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही दिलचस्प बातचीत थी, धन्यवाद देवेंद्र जी आपके विचार सादर करने के लिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या देश की भी बात करें, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक ऑर्डर तैयार होती है। देखिए जब वर्ल्ड ऑर्डर ये अमेरिका डिटरमिन करता है, तो जो इथोस अमेरिका तैयार करता है वर्ल्ड उसको स्वीकारता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर होती है उसके अपने मूल्य होते हैं, उन मूल्यों पर आधारित अलग अलग प्रकार के लोग तैयार होते हैं। इसी प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्डर इस देश में कांग्रेस ने तैयार की, और फिर उस पॉलिटिकल ऑर्डर को प्रमाण मानते हुए हमारे देश में कई पार्टियां तैयार हुई जो ये मानते थे कि कांग्रेस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही सही है, परिवारवाद यही सही है, पैसे के भरोसे पॉलिटिक्स यही सही है। और अलग अलग पार्टियां जो बनी, भले उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, पर उनके लिए प्रमाण पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं वो कांग्रेस ही था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी कि जिसने हर तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नकारा और एक अपनी ऑर्डर तैयार की। और आज हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे
ये जो सारी पार्टियां अब तैयार हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, दे आर नाउ फॉलोइंग, ये जो बीजेपी ने ऑर्डर तैयार किया हुआ है इस ऑर्डर को वो फॉलो करना शुरू कर रही है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि परिवारवाद का अर्थ क्या है। किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आए ऐसा इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन के बेटे बेटियां नाते पोते आए लेकिन अपने बलबूते पर आए, उसको हक समझ कर ना आए, और चाहे कोई भी डिजर्विंग हो, डिजर्विंग लोगों को दूर रख के जिस समय केवल अपने परिवार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो उसको परिवारवादी राजनीति कहा जाता है। जो कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस की पतन का कारण क्या था, तो कांग्रेस में ये मान्यता थी कि नेहरू जी के घराने का व्यक्ति ही कांग्रेस को लीड कर सकता है, और आज भी वही स्थिति है। आज देखिए खरगे जी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, खरगे जी कोई निर्णय कर सकते हैं? कोई मानता है कि खरगे जी निर्णय ले सकते हैं? नहीं मानता है। अल्टीमेटली निर्णय तो या तो राहुल जी को लेना है, या सोनिया जी को लेना है, या प्रियंका जी को लेना है। तो ये जो एक राजनीति की स्टाइल है, जिसका कल हमारे गृहमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि एनसीपी क्यों टूटी, टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल हेयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया, और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा। आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए, इसके आधार पर हमने करनी चाहिए। तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, और सुडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाला साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें केवल हम लोग परिवारवादी पार्टियों को दोषी नहीं पकड़ सकते, इसमें उनके साथ जो लोग जाते हैं, कई बार उनको चुनकर देते हैं, ऐसे लोगों का भी कुछ ना कुछ दोष तो इसमें है ही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस पूरी ऑर्डर को डिसमेंटल करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मेरा ये विश्वास है कि राजनेताओं के बेटे बेटियां आगे पॉलिटिक्स में दिखेंगे तो अपने दम पर दिखेंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखेंगे, केवल किसी के पुत्र या पुत्री है इसलिए वो पॉलिटिक्स में नहीं दिखेंगे। इस ऑर्डर की ओर हम जा रहे हैं। थैंक यू सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लाइंस महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मी पुन्हा येईन एंड अकेला देवेंद्र क्या करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर सर भी कल ही वो बोले कि मैं फिर से आऊंगा यहां, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो सब जानते हैं, जैसे कि आई शो एन एग्जाम्पल, अब की बार तो ये जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आपका है, आपका था, जिस विच मेड यू से मी पुनः ये सेम कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर सर का है, बट धोखा करके जब ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई, आप आ भी गए, आप पुनः आ गए, लेकिन उन्होंने धोखा करके गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त सर आपके क्रिटिक्स, उनकी इकोसिस्टम, उन्होंने बहुत मॉक किया। मेरा सवाल ये है, आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट एंड वुड यू से मी पुनः ये इन अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मी पुनः ये इन ये केवल सिंगल लाइन नहीं थी। मैं पुनः येईन के साथ मैं किस लिए वापिस आना चाहता हूं ये था, किसकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूं ये था, महाराष्ट्र को कैसे बदलूंगा ये था, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसमें से मैं पुनः येईन ये लाइन लोगों ने ज्यादा कैच की, और वो इतनी कैच हो गई कि वो जो कविता मैंने पढ़ी थी उसको किसी ने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और एक प्रकार से वो एक बहुत ही बज लाइन की तरह वो लोगों के बीच चली गई, और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया,
और ये बात भी सही है कि केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जब उद्धव जी ने हमारे पीठ में खंजर घोपा, तो उसके बाद एक समय ऐसा भी रहा, क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो हम जब चुनकर आए तो लोगों ने कहा, देखो मैं पुनाइन कहा था, ये आ गए, सरकार नहीं बनी। तो लोगों ने कहा, ये देखो ये बहुत अहंकारी थे, इन्होंने कहा था मैं वापिस आऊंगा, ये अहंकार था इनका और इसलिए ये नहीं आए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। लेकिन मैंने कहा था मैं पुनाइन, तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आए और 2 साथी लेकर आए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब ये कहते कि 400 पार करके मैं वापस आऊंगा, तो उसके आगे प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, उस भाव को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अपने भाषण में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वो भाव बहुत स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद एक दिन भी उस गद्दी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया। एक दिन भी उन्होंने वहां बैठकर राजकाज करूंगा, अब आराम से जीऊंगा, इस प्रकार का विचार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आप को छत्रपति इसलिए घोषित किया कि दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई है, हम गुलामी से बाहर आए हैं और हमारा अपना वजूद है। और तुरंत वो निकल पड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए। और आम आदमी को, जिसको रैत कहते थे, उसका भला करने के लिए वो बाहर निकले। तो मोदी जी ने कहा, हमारी भी प्रेरणा हुई है, हम तीसरे बार चुनकर आएंगे, हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हम तीसरी बार चुनकर आना इसलिए नहीं चाहते कि हमको राज चलाना है, हमको समाज बदलना है, हमको देश बदलना है, हमको 2047 का विकसित भारत तैयार करना है, इसलिए हम तीसरी बार आना चाहते। तो ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जनता के नब्ज को जानते हैं। मोदी जी को यह ध्यान में आ रहा है कि पब्लिक अपना मन बना चुकी है, लोग उनको तीसरा मौका देने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सर, जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर सर और आप बढ़ रहे हैं, आप तो कहेंगे नहीं, मैं ही कह देती हूं, ये बात से चिंता होती है कि अब अकेली ताई क्या करेगी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, ये थोड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बिग ब्रदर रहा है और पार्टनर्स रहे हैं उनके। उनके कार्यकाल में हमने बहुत टेररिज्म देखा है, बी एट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट, बी एट द ताज होटल बॉम्बिंग। हमने ये भी देखा है कि इतने गंभीर एपिसोड्स के बाद ना तो उनके लीडर कोई ग्रीफ, कोई चिंता, कोई मरोज कुछ व्यक्त नहीं करते। इनफैक्ट 93 के ब्लास्ट के वक्त चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने एक एडिशनल ब्लास्ट इन्वेंट किया था ताकि समाज मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाए। और ताज के बॉम्बिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अपने बेटे, जिनको वो एज एन एक्टर लॉन्च करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर, ये टेरर टूरिज्म के लिए होटल पर दौरा करने गए। तो नाउ वी सी दैट टेररिज्म हैज बीन वाइप्ड आउट, बट why does it happen? Why does terrorism become so widespread?
had become so widespread in Congress rule? And how are you able to keep the country safe under Prime Minister, sir? देखिए एक बात तो दुनिया का सत्य है, भय भी न होए न प्रीत, ये रामायण में भी कहा है। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश मजबूत होता है वही शांति प्रस्थापित कर सकता है, कमजोर कभी शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते। और भारत ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब हमारा पड़ोसी देश हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, आतंकियों को भेजता था, हमारे देश में अलग अलग प्रकार से बम विस्फोट करवाता था, लोगों को मारता था, और हमारी सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार कहती थी कि हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कंडेम करते हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये कंडेम करते रहते थे, वो बम विस्फोट करते जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत में ये ताकत नहीं है कि भारत हमारे ऊपर रिटेलिएट कर पाए। लेकिन जिस समय मोदी जी ने पहला स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस समय उनके ध्यान में आया कि भारत रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जब दूसरा अटेम्प्ट किया और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उनके ध्यान में ये कैपेबिलिटी भारत की आई कि ये पुराना भारत नहीं है जो अमेरिका के पास जाकर रोएगा, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर रोएगा कि भाई हमको बचा लो, इनको समझाओ। ये सीधे अटैक करने वाला भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये जैसे उनके ध्यान में आया तो परिणाम ये हुआ कि आज उनकी हिम्मत भारत पर अटैक करने की नहीं है। आप विचार कीजिए, मुंबई पर जो हमला हुआ था 26/11 को, इट वॉज नॉट एन अटैक ऑन मुंबई, इट वॉज अटैक ऑन इंडिया सॉवरेंटी। देखिए टारगेट जो चुने गए थे, ताज होटल, ट्राइडेंट, ये क्यों चुने गए थे? ट्राइडेंट इसलिए चुना गया था कि दुनिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ट्राइडेंट में रहती है। ताज इसलिए चुना गया था कि भारत के जो आर्थिक एक आर्थिक केंद्र है, उस आर्थिक केंद्र का सिंबल ये ताज होटल है। तो उन्होंने हर चीज इस प्रकार से चुनी थी कि एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे सामने भारत कुछ नहीं है, 10 लोग मिलकर भी हम भारत को हिला सकते हैं। और वो संदेश उन्होंने बहुत, मैं ऐसा कह सकता हूं दुर्दैव से, कि उन्होंने सफलतापूर्वक दिया। लेकिन उस समय की हमारी रिएक्शन क्या थी? हम लोग अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने ये सारी चीजें पता होते हुए भी डेविड हेडली, तऊर राणा, ये सारे जो आतंकी थे जो उसके पास थे, उनका एक्सेस भी हमको नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग वो एक्सेस ले पाए। जो लोग इस षड्यंत्र में थे उनको दंडित करने का काम हमने किया। तो कांग्रेस की सरकार में एक बहुत वीक इस प्रकार की गवर्नमेंट को हमने देखा, जो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकती थी, जो अपने आप को एसेट नहीं कर सकती थी, जो दूसरी शक्तियों पर डिपेंडेंट थी। और फिर वही चीजें नीचे तक आती है। देखिए जैसी सरकार देश में चलती है वैसी सरकार फिर प्रदेशों में चलना शुरू हो जाती है। तो ये परिस्थितियां उस समय हमने देखी। आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब चीन की भी ये हिम्मत नहीं है कि चीन सीधा आंख उठाकर हमारे सामने देख सके। जी थैंक यू सर। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अब हम इससे पहले पॉलिटिकल नहीं थे ये थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। इंडिया अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट। सर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो। यहां पर भी महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर बीजेपी
ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी. अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड सेकंड, इज इट ट्रू इफ यू किल ऑपोजिशन इज देयर नो ऑपोजिशन? वन एंड सेकंड, इज दिस अ ब्लॉट ऑन आर डेमोक्रेसी? पहली बात तो जो इंडिया अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी. तो भाऊ तोरसेकर जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहां सारे इंजिन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहां? और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है. तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है. सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है. और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है उसका जो महत्व है इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं. लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं. हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं. हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की. आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है. ये ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सारी ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं. आप देखिए ये कैसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साइड से निर्णय दे तो अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्यायपूर्ण उनके खिलाफ निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, इलेक्शन कमीशन को गाली देते, इलेक्शन प्रोसेस को गाली देते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाली देते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को गाली देते. तो ये तो हमारे लिए एक चिंता की, मैं ऐसा कहता हूं, की जगह है कि जहां पर अपोजिशन के वीक होने से जो स्पेस निर्माण हुई है उस स्पेस में इस प्रकार के लोग आए हैं. और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जब ये लगता है कि मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये जो ताकतें हैं समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी, इन ताकतों की मदद कांग्रेस जैसी पार्टी ले रही है और फिर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में. मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई संविधान हमारे कारण खतरे में नहीं है, आप खतरे में डाल रहे हो देश का संविधान इस प्रकार की ताकतों को दम देते हुए, बल देते हुए, उनको एक प्रकार से सेंटर स्टेज पर लाते हुए. और मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि अपोजिशन कभी समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त करने का कोई विचार भी नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए. हम अपनी लाइन को बड़ी करते जाते धीरे धीरे अपोजिशन की लाइन छोटी होती है, हम उनकी लाइन काटते कभी नहीं है और काटना भी नहीं चाहते. जी सर, बिफोर आई लेट यू गो, ये फाइनल क्वेश्चन है और ये नॉन पॉलिटिकल इश क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है. सर आप इंटरव्यूज देते हैं इतने मीडिया में, सर आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, वो आइडियोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल है. आप ये मीडिया इंटरव्यूज एक घंटे का भी दे दे
आप एक घंटे तक आपके जो प्रोजेक्ट्स है जो आपने शुरू किए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, आप एक घंटे तक बात कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स मेरे बेबीज है, फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स हैं जो चीजें बोलते हैं, अलग अलग रूमर्स फैलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल्ड नहीं रहा है, या आपके कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हैं, या फिर और कोई रूमर फैला देते हैं कि आप लोकसभा जाएंगे, समथिंग समथिंग, कोई भी कुछ भी, एवरीडे न्यू रूमर। लेकिन फिर भी डिस्पाइट द कंटिन्यूअस रूमर्स, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं उनसे आप मीलो आगे है, तो हाउ डू यू, तो आप इतना ठहराव कैसे रखते हैं और हाउ डू यू इग्नोर दीज वॉइसेस? देखिए, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे कोरी राजनीति आती नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में कोरी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे लिए तो राजनीति ये हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है। हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को माना है कि हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज ए एपरेटस यूज करके ला सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं भाषण भी जब करता हूं तो 80% मेरा भाषण ये डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया इसके ऊपर होता है। 20% मैं राजनीति की बात करता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमको हमारे देश को, हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस ये डेवलपमेंट पे रखना पड़ेगा। राजनीति तो होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर हम गवर्नेंस को छोड़कर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में लग जाए, मतलब मैं कई बार सवाल पूछता हूं अपने आप से भी।